हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं टेक्नो सरोहा यूट्यूब चैनल। देखिए, आपने ऑलरेडी यहाँ पे टाइटल थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे टिकटॉक आपके लिए जरूरी क्यों है। डजंट मैटर आप यहाँ पे टिकटॉक पे कुछ बनाते हो, कोई वीडियोस अपलोड करते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहाँ पे पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि टिकटॉक आपके लिए भी जरूरी क्यों है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो डेफिनेटली समझ जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बस ये एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप अभी के भी सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगली बार कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, टिकटॉक को अभी जो स्टार्ट हुआ था वो दो साल हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट, अच्छे से अगर देखें तो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और जो भी प्लेटफॉर्म देखिए इनिशियल स्टेज में अपना आता है ना, वो एक बिल्कुल एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देता है अपने प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज लाइक जैसे पहले फेसबुक आया था तो फेसबुक पे लोग चले गए थे, सारी ऑडियंस फेसबुक पे चली गई थी। उसके बाद इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे सब लोग चले गए थे। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है और आगे चलेगा कुछ सालों तक, वो होगा टिकटॉक। देखिए, टिकटॉक हर कोई यूज कर रहा है धीरे धीरे और ऐसे ऐसे लोगों को स्टार बना दिया है। देखिए, फेसबुक ने बहुत लोगों को बनाया, फिर इंस्टाग्राम ने बनाया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद देखिए अब टिकटॉक की बारी है। टिकटॉक ने ऐसे ऐसे लोगों को अब स्टार बना दिया है जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो उस एक पर्पस तो हमारा ये होगा कि हम खुद अपने कंटेंट को क्रिएट करें। सेकंड चीज ये हो सकती है कि आप यहाँ पे खुद का अपना बिजनेस कर रहे हो, फिर आपको कोई प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन अभी आपने नहीं लेके आए उस अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आप यहाँ पे करना चाहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको या तो ये किसी के थ्रू आप किसी को हायर कर सकते हो, लाइक जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं आप देख लीजिए, उनसे बात करिए और उनसे अपने प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करा दीजिए वीडियो में। ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका जो प्रोडक्ट है वो लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा अगर वीडियो अच्छी रहेगी तो, कंटेंट अच्छा रहेगा तो। उसके अलावा आप खुद भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो है मार्केटिंग एक वीडियो बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हैं। और टिकटॉक पे जो इस टाइम पे रीच आ रही है ना, बहुत ही अमेजिंग आ रही है। आप रेगुलर अगर आप ऐड भी चलाते हो टिकटॉक पे, बिकॉज टिकटॉक पे एड्स बहुत सारे आते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स हो गया और यहाँ पे बजाज हो गया, यहाँ पे मारुति के भी हो गए शायद, मैंने देखे है। उसके अलावा हम जैसे बहुत सारे एक आता है बुलबुल टीवी करके एक ऐड आता है बुलबुल शॉप का, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एड्स आते हैं। मतलब जब भी कोई और मूवीज वाले जो खुद जो अभी बाला का जो मूवी आई है उस वो जब टिकटॉक ओपन करते तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ऐड दिखाई देता था बाला मूवी का। तो इतने बड़े बड़े लोग जो नेटफ्लिक्स इतना बड़ा ब्रांड है वो खुद टिकटॉक पे प्रमोट कर रहा है अपने आप को, तो आपका पेज अगर प्रमोट होगा तो सोचिए कितना बेनिफिट मिलने वाला आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको टिकटॉक की वैल्यू समझनी है, आपको कंटेंट तो क्रिएट करना ही है, लाइक मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो उसके अलावा मैं यहाँ पे टिकटॉक पे भी स्टार्ट कर रहा है। और आप भी खुद जो है अपना किसी भी जो भी आपको अच्छा लगता है, लाइक आपको शायरी अच्छी लगती है, फिर आप मिमिक्री अच्छी कर लेते हैं, डबिंग अच्छी कर लेते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसकी ट्रिक्स आपने देखा होगा, बहुत सारी ट्रिक्स लोग शेयर करते हैं, एक एक मिनट की वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं कुछ लोग वहाँ पे, उसके अलावा कॉमेडी करते हैं, डांस करते हैं, उसके अलावा कोई भी चैलेंज करते हैं, बहुत सारे चैलेंज आते हैं टिकटॉक पे, आपको पता है वो ट्रेंडिंग सेक्शन जाओ खोलोगे तो इतनी सारी चीजें हैं टिकटॉक पे करने के लिए। और रीच मतलब लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच रहा है क्योंकि उस पर अभी इतना बड़ा ट्रैफिक नहीं आया कि मतलब वो लोगों तक लिमिट करे आपके वीडियो को पहुंचाने में। लाइक इंस्टाग्राम करता है आपकी जो रीच है ना, ऑर्गेनिक रीच जो होती है जिसको हम बोलते हैं कि विदाउट एड्स जो लोगों तक पहुंचता है आपका कॉन्टेंट वो कम हो गए इंस्टाग्राम पे, लेकिन टिकटॉक नया है, लोग अभी और जुड़ रहे हैं इसके साथ तो आपकी रीच अभी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। और टिकटॉक खुद इन्वेस्ट कर रहा है अपने एजुकेशन प्रोग्राम को लेकर, अगर आप एजुकेट करते हैं टिकटॉक पे कुछ भी लाइक ब्यूटी के बारे में और हेल्थ के बारे में या फिर कराटे के बारे में या फिर एजुकेशन के बारे में आप कुछ भी टीच करते पढ़ाते हो तो आपको ज्यादा प्रमोट कर रहा है टिकटॉक। तो सोच लीजिए कितना बेनिफिट होने वाला है और आने वाले टाइम में मोनेटाइज भी कर पाओगे, मतलब कि आप पैसे भी टिकटॉक के थ्रू अर्न कर पाओगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टिकटॉक बहुत जरूरी है, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो, बिजनेस हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपने आपको अपना ब्रांड अपनी कंपनी को प्रमोट कर सकते हो वहां पे सिंपल। उसके अलावा आप यहाँ पे लोगों से लोग आपको आपके पास आएंगे और आपको पैसे देंगे आप उनका खुद का कंपनी को प्रमोट कराने के लिए और खुद के प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए आपकी वीडियोस में। और आपको ऑलरेडी आप फेम तो आपको मिलेगी, लोग आपको वहाँ पे फिर बुलाते हैं जब कोई इनोग्रेशन होता है तो आपको बुलाएंगे कि हमारे यहाँ पे आइए, हमारे ये चीज नहीं हमने स्टार्ट करी है, कोई जिम खुलता है तो जिम वाला बुलाता है। मैंने बहुत जगह देखा है जो टिकटॉक स्टार है उनको लोग बुलाते हैं, तो आप फेम तो आपकी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, ब्रांड अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी, अपने जो टिकटॉक का ट्रैफिक है उसको आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते हो, उसको आप ब्लॉगिंग पे लेके जा सकते हो अपने ब्लॉग पे, उसको आप अपने यूट्यूब चैनल पे लेके जा सकते हो। तो ट्रैफिक को आप यूज करिए, अपने टिकटॉक का ट्रैफिक जो आपका आ रहा है उसकी ऑडियंस जो आ रही है
तो अगर टिकटॉक से अर्निंग नहीं हो रही तो आप उसको यूट्यूब पे ले जाइए, अपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पे ले जाइए ताकि आपका ट्रैफिक बढ़े, एड्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं वहां से। तो बहुत सारी चीजें आप टिकटॉक के थ्रू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी जो भी आपका डिजिटल फील्ड में कोई ऑनलाइन फील्ड में काम करता है उसको ये शेयर करेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आपके फ्रेंड को फैमिली मेंबर को। थैंक यू सो मच, मिलता है आपसे कुछ अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, टेक्नो सरोवर चैनल को अभी के सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले, यूजर नेम इज डीजी अभिनव, DIGIABHINAV। थैंक यू सो मच।